आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से दुआ करूंगा। पासिंग आवर आउटब्रेक के इस कार्यक्रम में आज यहां लगभग 574 जवान यहां ट्रेनिंग कंप्लीट कर अब आप राज्य के सेवा में अपना योगदान देने जा रहे हैं और इस 574 में 188 महिलाएं हैं और 386 पुरुष जवान हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है। इससे पहले भी मैं मुसामानी में आईआरबी के ट्रेनिंग कैंप गया, वहां भी पारंपरिक में हिस्सा लिया, लेस्लीगंज के जेपैट के ग्राउंड में भी आईआरबी की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। वहां भी लगभग 554 जवानों ने अपनी परेड कंप्लीट कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अब आगे चल पड़े हैं। इस तरीके से अब तक लगभग 1892 जवान हमारे विभिन्न कैंपों से ट्रेनिंग प्राप्त करके अब राज्य के सेवा में अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं और इन 1892 में लगभग 630 महिला जवान और 1262 पुरुष जवान और कहीं ना कहीं आज इस रेशियो के साथ महिलाओं को भी अब पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जो इन नियुक्तियों से स्पष्ट पता चलता है। ये पूरे पुलिस विभाग नहीं बल्कि हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है और निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है, जहां हम एक अच्छे समाज और सौहार्दपूर्ण वातावरण की परिकल्पना कर सकते हैं। आपके इस पारंपरिक कार्यक्रम के माध्यम से मैं विभिन्न जिलों में जाकर के आपके, चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे वो जैप का ट्रेनिंग सेंटर हो, उन सब जगहों को देखने का मुझे मौका मिला। कई जगह से वहां की जो कैंपस का अद्यतन स्थिति को भी जानने का मैंने प्रयास किया और वहां के वरीय पदाधिकारियों ने कई चीजें विस्तृत रूप में मुझे बताई है। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने कई कठिनाइयों के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है।
आपकी ट्रेनिंग ही मुझे लगता है काफी चुनौती भरा रहा है, लेकिन फिर भी यह सतत प्रक्रिया है। अब आप जान पाते अपना योगदान राज को देंगे। जो ट्रेनिंग आपने अभी ली है, हो सकता है इससे अलग आपको चुनौती आपका सामने आके खड़ी हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि आप जवानों के जीवन में अनवरत ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे डॉक्टरों के प्रैक्टिस में रोज नई नई बीमारियां, नई नई खोज, नए नए समस्याएं, नए नए समाधान, उसी तरीके से जैसे जैसे आपके सामने चुनौती आएंगी और उन चुनौतियों को आप कैसे मुकाबला करेंगे, ये आपके बुद्धि विवेक और जो परस्पर प्राप्त कर रहे ट्रेनिंग के जो अनुभव, उसी के माध्यम से आप उस रास्ते को तलाश सकते हैं। आपकी आज ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अब ट्रेनिंग आप आगे नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि जब आप मैदान में जाएंगे, जब आप अपराधों का अनुसंधान करेंगे, तो कई ऐसे उलझन भरी समस्या आपके सामने आके खड़ी होंगी, जहां आपको लगेगा कि ये ट्रेनिंग तो हमने किया ही नहीं, इसका मतलब क्या समाधान नहीं निकलेगा। उसका भी समाधान निकालना, इसके लिए आप अभी से इस मानसिकता के साथ यहां से जाएं और निरंतर इस बात को अपने मस्तिष्क में बनाए रखें कि कोई भी विषम परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। कौन जानता था कोरोना जैसा महामारी इस देश में आएगा, इस दुनिया में आएगा। ना बीमारी का आता पता, ना इलाज का अता पता, ना वैक्सीन का अता पता, लेकिन इस चुनौती को बड़े बुद्धि और विवेक के साथ हम लोगों ने मुकाबला भी किया। कई जगहों पर आपने देखा, कई राज्यों में, कई देशों में आज के दिन में भी कोरोना की जो समस्या है वो एक राक्षस का रूप लेकर बैठा। हमारे पास इस राज्य में सीमित संसाधनों में, जहां अस्पताल नहीं, जहां डॉक्टर नहीं, जहां दवाइयां नहीं, और ऐसे समय में ऐसी भी महामारी, ऐसी चुनौती, आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से यहां के लोगों ने और सरकार के प्रबंधन में काम किया होगा। उसी तरीके से आपके सामने भी कई ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने जो यहां ट्रेनिंग लिया है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको एक बेसिक व्यवस्थाएं और बेसिक सूझबूझ और समझ
के साथ आपको ये ट्रेनिंग दी गई है और ये ऐसी ट्रेनिंग है इसमें आप जितनी चीजें आप जोड़ते जाएंगे उतनी ये आगे जुड़ते जाएंगे, उतना इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें आप सभी लोग काफी कुशल पूर्वक सफल भी हुए। आज आपके इस दिन के इंतजार में आपके पूरे परिवारजन, यहां पुलिस के बड़े पदाधिकारी बहुत बेसब्री से कर रहे थे। आज इस मैदान में उपस्थित अपने अभिभावकों को देखकर आपको लग रहा हो उनके चेहरे में भी कितनी मुस्कान है। और निश्चित रूप से अपने कार्यों से, अपने व्यवहारों से, जिस आशा उम्मीद के साथ आप सब लोगों ने यहां शपथ ग्रहण किया, उस शपथ ग्रहण को बिल्कुल इसके अनुरूप आप पूरे जनता के बीच में बेहतर संबंध, बेहतर समन्वय बनाते हुए राज्य के क्षेत्र के शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था का शासन स्थापित करेंगे। और ये आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। और आज ये सारी चीजों को स्थापित करने के लिए सरकार आप पर उम्मीद भी करती है, इसलिए आप सब लोगों को आने वाले बेहतर जीवन की शुभकामनाएं मैं यहां देता हूं। मुझे आज आपके इस परिसर के माध्यम, परिसर के विषय में भी कुछ आवेदन मिले हैं। यहां की वर्तमान जो बुनियादी सुविधा है, बैरक की स्थिति, पानी की स्थिति, मैदान की स्थिति, कैंपस की स्थिति, बाउंड्री की स्थिति, तरह तरह की चीजों के संबंध में बताया गया। और ये मैं लगातार विगत विभिन्न पारंपरिक कार्यक्रम के माध्यम से कैंपों में जाकर के मुझे यह सुनने को मिल रहा है। आज हमारे राज्य में जैप के 10 मुख्यालय हैं। इसके अतिरिक्त सभी 24 जिले में पुलिस लाइन परिसर भी है। और मुझे जानकारी तो थी ही, लेकिन आधिकारिक रूप से जानकारी और लेने की आवश्यकता है। जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस लाइन की भी और जैप मुख्यालय की भी स्थिति बहुत संतोषजनक, और जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड भी, वो आर्ता भी पूरा नहीं कर पा रहा है। कई मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे मेरे नजरों में कोई चीजें आती है, मैं प्रयास करता हूं कि वो चीजें जिस चीज के लिए बनाई गई है उसको बेहतर तरीके से रखा जाए, बेहतर सुविधाओं के साथ लैस किया जाए। जो जवान है, जो कर्मचारी हैं, उनको भी उनके अधिकार के अनुरूप उनकी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो, ताकि आप अपने कार्यों में अपने अधिकार को कभी सामने ना आने दें, तभी आप निर्भय होकर
काम कर सकते हैं और निडर होकर काम कर सकते हैं। आज शायद यही वजह है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सबसे अधिक नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात होने के लिए जाते हैं। और बहुत ईमानदारी के साथ किसी भी जंग को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सभी जो आपकी समस्या है, पूरे राज्य के जो जैप ग्राउंडों की, पुलिस लाइनों की और जो इनके मुख्यालय हैं, इन सब के, इन सब का व्यापक जीर्णोद्धार का मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2 साल के अंदर इन सभी का, पूरे राज्य में जो हमारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, परिसर हैं, इनका जीर्णोद्धार, चाहे वो बैरक हो, पीने की व्यवस्था हो, यहां तक मैं कुछ और भी इसके अलावा सोचा। अब इस राज्य में पुलिस विभाग की अपनी स्वास्थ्य सेवा भी कैसे बहाल हो, इस विषय पर भी मैं काम करूंगा। ताकि आप लोगों के लिए बेहतर और आप लोगों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा सरकार उपलब्ध करा पाए। और इस विषय पर निश्चित रूप से आपके तरफ से भी जो मांगे आई हैं वो भी इसमें समाहित होंगे। मैं आपके इस पारंपरिक इस अंतिम दिन पर आप सब लोगों को, जितने हमारे जवान आज यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, आप सबको, आपके परिजनों को, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।